सिनेमैटिक यूनिवर्स में सुपर हीरोज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में एमसीयू ने 20 से भी ज्यादा सुपर हीरोज को सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिलीज किया। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के बाद शायद कुछ सुपर हीरोज फ्यूचर में हमें ना दिखे। एवेंजर्स एंड गेम के बाद फेज 4 शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ न्यू सुपर हीरोज न्यू सुपर पावर के साथ हमें देखने मिलेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सुपर हीरोज की जो फ्यूचर मार्वल मूवीज में अपियर होने वाले हैं। नेमोर। तो जैसे डीसी के पास एक्वामैन है, वैसे मार्वल के पास नेमोर है। नेमोर मार्वल के ओल्डेस्ट कैरेक्टर में से एक है। ये बात अलग है कि मार्वल ने इस कैरेक्टर को अभी तक एमसीयू में नहीं लाया, लेकिन आयरन मैन 2 में हमें नेमोर का एक हिंट मिला, जिसका मतलब नेमोर एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। बेटा रेबल। एमसीयू में स्टॉर्म ब्रेकर आ चुका है, और कॉमिक्स में स्टॉर्म ब्रेकर बेटा रेबल का है। बेटा रेबल एक कार्बोनाइट है जिसका कोई होम प्लेनेट नहीं है, क्योंकि सटर बेटा रेबल का प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉमिक में बेटा रेबल ने थोर को ओवरपावर किया है, और थोर रैग्नारोक में हमें बेटा रेबल का स्टैचू देखने मिला, जिसका मतलब बेटा रेबल भी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। एरिस। बेटा रेबल के स्टैचू के ठीक साइड में एरिस का स्टैचू है, लेकिन एरिस से रिलेटेड एमसीयू में अभी तक कुछ हिंट नहीं मिला। लेकिन स्टैचू से ये पता चल गया कि एरिस के राइट्स एमसीयू के पास है। अब जिन्हें नहीं पता एरिस कौन है, तो एरिस एक ग्रीक गॉड ऑफ वॉर है, और कॉमिक में एरिस सुपर हीरो और सुपर विलन के रूप में हमें देखने मिला है। नोवा। इन्फिनिटी वॉर में थानोस के पास पावर स्टोन था, और थोर ने ये कहा था कि थानोस ने जेंडार को डिस्ट्रॉय करके पावर स्टोन लिया है। कॉमिक में जब जेंडार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब रिचर्ड राइडर नोवा बनता है। नोवा एक प्रोटेक्टर है जिसे अपनी पावर्स नोवा हेलमेट से मिलती है, और शायद नोवा हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखने मिले। एडम वॉरलॉक। एडम वॉरलॉक के ककून को हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के क्रेडिट सीन में देखा था। एडम वॉरलॉक मार्वल कॉमिक के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक है। एडम वॉरलॉक मार्वल के ऐसे कैरेक्टर में से एक है जिन्होंने थानोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ बीट किया है। एमसीयू में सोलस्टोन आ चुका है, लेकिन एडम वॉरलॉक और सोलस्टोन के बीच एक टेलीपैथिक लिंक है, और सोलस्टोन यूनिवर्स के किसी भी कोने में हो, एडम वॉरलॉक को पता चल जाता है कि सोलस्टोन कहाँ पर है। लेकिन एडम वॉरलॉक हमें एंड गेम में नहीं दिखने वाला। एडम वॉरलॉक को हम देखने वाले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। सेंट्री। सेंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल है। सेंट्री गॉड तो नहीं है, लेकिन सेंट्री के पास गॉड लाइक पावर्स है। सुपर सोल्जर सेरम को हमने एमसीयू में देखा है, और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स सुपर सोल्जर सेरम की वजह से सेंट्री बनता है। सेंट्री के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सेंट्री इमॉर्टल है, और सेंट्री मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। एमसीयू में थानोस के बाद ऐसे सुपर विलन्स एग्जिस्ट करेंगे जो थानोस से ज्यादा पावरफुल रहेंगे, और ऐसे सुपर विलन्स को बीट करने के लिए मार्वल के पास सेंट्री जैसे सुपर विलन्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जहाँ पर सेंट्री होता है, वहाँ पर वॉइड भी होता है। वॉइड सेंट्री की डार्क साइड है। वॉइड की वजह से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स मेंटली काफी डिस्टर्ब रहता है, और वॉइड इतना पावरफुल है कि वॉइड ने एसगार्ड को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक्समैन। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद काफी सुपर फैंस के मन में ये क्वेश्चन था कि इन्फिनिटी वॉर में एक्समैन क्यों नहीं है। लेकिन डिज्नी फॉक्स डील के बाद एवेंजर्स और एक्समैन दोनों टीम साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन फॉक्स पूरी तरीके से मार्वल को एक्समैन कैरेक्टर नहीं देने वाला। फ्यूचर एमसीयू में शायद एक्समैन हमें कैमियो में दिख सकते हैं, या क्विक सिल्वर, प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो और मिस्टिक जैसे कैरेक्टर को हम एवेंजर्स मूवी के कुछ सीन में देख पाए। लिविंग ट्राइब्यूनल। डॉक्टर स्ट्रेंज के एक सीन में लिविंग ट्राइब्यूनल का नाम का जिक्र हुआ था, जिसका मतलब लिविंग ट्राइब्यूनल भी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। एमसीयू कॉस्मिक पर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, और लिविंग ट्राइब्यूनल का काम है कॉस्मिक को बैलेंस करना। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 ईयर 2021 तक आने वाली है, और पहली बार लिविंग ट्राइब्यूनल का नाम हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में सुना था, इसलिए शायद हमें लिविंग ट्राइब्यूनल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने मिले। तो ये थे ऐसे कैरेक्टर्स जो शायद हमें फ्यूचर एमसीयू में देखने मिले। लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।